नमस्कार दोस्तों, कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबॉल राउटर्स के बारे में कि आप जो है वो आईबॉल राउटर का वाईफाई पासवर्ड जो है वो कैसे चेंज जो है वो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप वाईफाई राउटर का पासवर्ड जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं उसकी वाईफाई का। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त या फिर हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो है वो हमसे मांग लेते हैं हमारे वाईफाई का पासवर्ड, और ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि हमारे वाईफाई का पासवर्ड जो है वो हम लोग चेंज कर दें ताकि जो है वो उसके पास जल्दी से कोई एक्सेस जो है वो ना कर पाए। तो आज हम लोग आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं आईबेल का इंटरनेट राउटर, तो आप जो है वो अपना वाईफाई राउटर का पासवर्ड जो है वो वाईफाई का कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसे ही जानकारी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको वीडियो के नीचे दिया है एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उसको दबा दीजिए और साथ के साथ लाइक बटन जो है वो ज़रूर दबा दीजिए। जैसे ही आप दबा देते हैं सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन, हम लोग तभी के तभी बताने वाले हैं आपको बिल्कुल कि कैसे जो है वो आप आईबीएल राउटर की वाईफाई का पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास या बड़ा नहीं करना, आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जिस भी डिवाइस पे आप जो है वो ये करना चाहते हैं, आप उसको वायर्ड या फिर वाईफाई के जरिए जो है वो अपने लैपटॉप या पीसी में जो वो कनेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने जो है वो हमारा आईबॉल बटन का जो है वो हमने कनेक्शन जो है वो कर रखा है। तो यहाँ पर करने के बाद हमें जो विजिट करना है इंटरनेट ब्राउज़र में, और वहाँ पर हमें टाइप करना है 192.168.1.1। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको आईपी एड्रेस यूज़ करना है 192.168.1.1। दोस्तों ये जो है वो हल्का फुल्का सिमिलर हो सकता है, यहाँ पर जो है वो डॉट वन डॉट वन की जगह पे .0.1 भी जो है वो हो सकता है या फिर .11.1 भी जो है वो हो सकता है, पर 99% जहाँ पर होता है 192.168.1.1। आपको अपने राउटर के पीछे जो एक स्लिप लगी होगी उसके ऊपर भी जो है वो इस आईपी एड्रेस के बारे में जानकारी दी होगी। तो आप जो है वो इसके ऊपर विजिट कर जाइए। उसके ऊपर विजिट करने के बाद आपको यहाँ पर छोटे अक्षरों में लिखना होता है एडमिन एडमिन। जैसे ही आप लिखते हैं एडमिन एडमिन, यहाँ पर जो आपको क्लिक करना होता है लॉगिन पे। लेकिन आपको बता दें कि कई बार जो है वो ऐसा होता है कि दोनों जगह पे ऑप्शन जो है वो खाली भी होते हैं, तो लॉगिन करने पे लॉगिन हो जाता है या फिर ऊपर यूज़र नेम में एडमिन और पासवर्ड में जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, फिर हम जो है वो ओके करते हैं लॉगिन पे, तो भी जो है वो हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से लॉगिन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस जो है वो ओपन होगा। यहाँ पर आपको जाना है सिक्योरिटी सेटिंग्स में। जैसे ही आप जाते हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स में, यहाँ पर जो है वो आपको ऊपर की तरफ जो है वो नेटवर्क के कई सारे ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। आप यहाँ से जो है वो मैक फिल्टरिंग करके भी अपने जो है वो यूजर्स को बंद कर सकते हैं। लेकिन आप एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद और साथ के साथ नेटवर्क सेटअप में जो है वो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं अपने डीलिंक राउटर के पासवर्ड को छोड़ करके, वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पे ऑप्शन है नेटवर्क सेटअप का, वहाँ पर जाने के बाद आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है वायरलेस पे। हो सकता है दोस्तों आपको वायरलेस का ऑप्शन थोड़ा बहुत इधर उधर जो है वो आपके नेटवर्क में जो है वो मिल सकता है, क्योंकि जो आईपी एड्रेस का ऑप्शन है दोस्तों वहाँ पर काफ़ी बार जो है वो चेंजिंग होता रहता है। आप नेटवर्क पे चले जाइए, वहाँ से चले जाइए वायरलेस पे। वायरलेस पे जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर जो है वो आपको सिक्योरिटी के बारे में ऑप्शन जो है वो मिलेगा, वो होगा यहाँ पर वायरलेस सिक्योरिटी। तो आप जो है इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपका मिल जाता है पासवर्ड। अगर आपका पासवर्ड ये नहीं है तो यहाँ पर से आप जो है वो थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लीजिए। आप वो ऑप्शन जिसको चुनेंगे उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर पासवर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको जो है वो सिलेक्ट करके कट कर दिए पूरे पूरे पासवर्ड को, और जो पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पर सेट जो है वो कर लीजिए। जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 8 डिजिट का पासवर्ड जो है वो आपको सेट करना होगा, तो आप जो है वो उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लीजिए, और उसके बाद क्लिक कर दीजिए अप्लाई बटन पे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ सेटिंग्स के सेकंड्स का जो है वो समय मांगा जाता है आपसे, और सेकंड्स के बाद जो है वो आपकी सेटिंग्स बिल्कुल आसानी से जो है वो सेटअप हो जाती है, और उसके बाद जो है वो आपका वाईफाई का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए अपनी वाईफाई के अंदर नया पासवर्ड जो है वो एंटर करना होगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टीज़ में जाइए, और यहाँ पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो है वो अपना पासवर्ड जैसा आपने सेट किया था वो जो है वो डाल दीजिए, और ओके जो है वो प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर वाईफाई अभी नहीं है, लेकिन कुछ सेकंड्स के अंदर जो है वो आपकी वाईफाई कनेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो आप अपने आईपी एड्रेस पे दोबारा से भी जो है वो विजिट कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सीख पाए होंगे कि आप जो है वो आईबिल के राउटर की जो हमारा वाईफाई पासवर्ड है उसको कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं
आपको आईपी एड्रेस पे जाना है, एडमिन एडमिन के जरिए जो लॉगिन कर लीजिए, चले जाइए नेटवर्क सेटअप पे, यहाँ पर जो है वो वायरलेस का ऑप्शन है, यहाँ पर सिक्योरिटी का, यहाँ पर सिक्योरिटी पे जाने के बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड जो भी चाहते हैं वो आप चेंज कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए अप्लाई चेंजेस पे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अप्लाई चेंजेस पे, आपके सामने प्रोसेसिंग होती है और जो आपका राउटर का वाईफाई पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सीख पाए होंगे आई विल के वाईफाई राउटर का पासवर्ड चेंज करना वाईफाई का। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब्सक्राइब भी हमें कर लेंगे ताकि हम लोग जो है वो आपको वाईफाई के बारे में या फिर आई विल के राउटर के बारे में काफ़ी और नई जानकारियाँ जो है वो दे सकें। और कुछ आई बटन में जो कि ऊपर कोने की तरफ राइट हैंड साइड में है, वहाँ से और आपको जो है वो वीडियो के एंड में कुछ अलग वीडियोस मिलने वाली है आई बी एल राउटर के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और सीखते रहिए कैसे करें।